नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे संस्कार चैनल में। दोस्तों, अगर अपनी जिंदगी में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आखिर क्यों होती है निर्वस्त्र स्नान की मनाही, जाने क्या कहता है शास्त्र। दोस्तों, शास्त्रों में बताए नियमों के अनुसार निर्वस्त्र स्नान न करने की बात की जाती है। आइए जाने इसके पीछे के कारणों के बारे में और आखिर क्यों बिना कपड़ों के स्नान नहीं करना चाहिए। दोस्तों, हिंदू धर्म शास्त्रों में हर एक चीज के कुछ नियम बनाए गए हैं। आइए इन्हीं नियमों में से एक है स्नान को लेकर कही गई बातें। ऐसा माना जाता है कि आम व्यक्ति को शास्त्रों के नियमों का पालन जरूर करना चाहिए, जिससे घर की सुख समृद्धि बनी रहे और खुशहाली आए। दरअसल हमारे शास्त्रों में ऐसी कई बातें लिखी गई हैं, जिनका हम पालन सदियों से करते चले आ रहे हैं, लेकिन उसके कारणों के बारे में अभी भी पूरी जानकारी नहीं है। ऐसे ही नियमों में से एक है निर्वस्त्र स्नान न करना। दोस्तों, आपके अक्सर घर के बड़ों को ऐसा कहते सुना होगा कि कभी भी स्नान बिना कपड़ों के यानी निर्वस्त्र नहीं करना चाहिए। आइए जाने ज्योतिष शास्त्रों में लिखी इस बात के बारे में और इसके कारणों के बारे में कुछ बातें। शास्त्रों में निर्वस्त्र स्नान की मनाही क्यों है। दोस्तों, अगर हम पौराणिक कथाओं की बात करें तो निर्वस्त्र स्नान की मनाही का एक सबसे बड़ा कारण कृष्ण जी के समय से जुड़ा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार जब गोपिकाएं सरोवर में स्नान कर रही थीं और वो निर्वस्त्र थीं, उस समय बाल कृष्ण ने गोपियों के सभी वस्त्र छिपा दिए। उस समय जब कृष्ण जी ने उनके वस्त्र छिपा लिए और गोपियों ने अपने वस्त्र वापस लेने की प्रार्थना की, तब कृष्ण जी ने उन्हें समझाया कि कहीं भी बिना वस्त्र धारण किए स्नान नहीं करना चाहिए, इससे जल के देवता वरुण का अपमान होता है, इसलिए आपको निर्वस्त्र स्नान न करने की सलाह दी जाती है। निर्वस्त्र स्नान से वरुण देव रुष्ट हो सकते हैं। दोस्तों, अगर आप नहाते समय यह सोचते हैं कि बंद कमरे में कोई आपको नहीं देख रहा है तो ऐसा गलत है, क्योंकि ईश्वर आपको हर स्थान पर देखते हैं। यदि आप निर्वस्त्र होकर स्नान कर रहे हैं तो ये मुख्य रूप से जल के देवता वरुण का अपमान करने जैसा होता है। निर्वस्त्र स्नान से आपको पाप लग सकता है और आर्थिक और शारीरिक नुकसान पहुंच सकते हैं। नकारात्मकता शरीर में प्रवेश करती है। दोस्तों, यदि आप निर्वस्त्र स्नान करते हैं तो आपके शरीर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है और आपकी मानसिकता भी नकारात्मक हो सकती है, इसलिए हमेशा आपको यही सलाह दी जाती है कि भले ही आप नहाते समय कोई एक कपड़ा धारण करें, लेकिन बिना कपड़ों के स्नान न करें, तभी आपके लिए बेहतर होगा। निर्वस्त्र स्नान से शरीर की नकारात्मक ऊर्जा शरीर से बाहर निकल सकती है और इसका प्रभाव आपके शरीर के साथ मन मस्तिष्क में भी होता है। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।